अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद रनोजा, तहसील रिपोर्टर वॉइस ऑफ रोही न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर जैसे पसमांदा इलाके जहां मैट्रिक के बाद तालिबात का तालीम जारी रखना नामुमकिन था, वहीं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएस की क्लासेस का आगाज कर दिया गया ताकि फाजलपुर और दूर दराज देही इलाकों की तालिबात अपनी तालीम जारी रख सकें। तालिबात और वालिदैन का कहना है कि फाजलपुर कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल की सहूलियात दी जा रही हैं। फाजलपुर जैसे पसमांदा इलाके में बीएस प्रोग्राम किसी नेमत से कम नहीं। फाजलपुर में बीएस का प्रोग्राम शुरू करना एक नेमत है। यहाँ पे हमारे वालिदैन यूनिवर्सिटी के लिए सारे ड्यूज पे नहीं कर सकते थे, ना ही वो हमें इजाज़त देते थे कि वो बाहर जाके हम तालीम हासिल करें। यहाँ पे हम बिल्कुल महफूज हैं और यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह मुहैया कर दी गई है। पानी भी यहाँ पे ठंडा हमें मिलता है, बिजली भी है और हर तरह की जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है वैसी तालीम हम फाजलपुर के इस इलाके में हासिल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।